జీహెచ్ఎంసీలో టీఆర్ఎస్ అవినీతి అరాచకపాలపై బీజేపీ చార్జ్షీట్ విడుదల చేసింది. దుబ్బాకలో జరిగిందే జీహెచ్ఎంసీలోనూ జరుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి జావదేకర్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో అవినీతి బాగా పెరిగిందని, కేసీఆర్ ఆస్తులు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయని, కానీ రాష్ట్రం మాత్రం అప్పుల పాలైందని పేర్కొన్నారు ఆయన. सभी नागरिक हमेशा लड़ाकू रहे हैं और हैदराबाद के भी इस शहर का फैसला 1 दिसंबर को करेंगे. जो दुबक्का में हुआ वही हैदराबाद में होने जा रहा है. मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, केटीआर की कॉन्स्टिट्यूंसी, हरीश की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बीचों बीच दुबक्का ने तेलंगाना में कहां हवा बह रही है ये बताया है और यही हवा हैदराबाद में बह रही है और इसलिए हम विजय के लिए लड़ रहे हैं. हमें समझना चाहिए कि सवाल क्या है हैदराबाद में. हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए. इस सवाल पे चुनाव हो रहा है क्योंकि केसीआर को वोट माने एमआईएम को वोट, कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट, और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट. और इसलिए हमें यहाँ के लोगों ने तय किया है कि इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा. लोगों का गुस्सा है. एक परिवार का राज चल रहा है और एमआईएम भी एक परिवार की पार्टी है. वहां केसीआर है, यहां ओएसुद्दीन ओवैसी है. वहां केटीआर है, यहां अकबरुद्दीन है. तो एक परिवार की पार्टी आप बन के रह गई. हमने देख